हम और भी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपने भाजपा सरकार के खिलाफ भी बड़ा हो गया, आपने कहा कि मैनिफेस्टो में उनके था नगर निगम के वादा किया था, अब तक वादा पूरा नहीं हुआ है, ऐसे प्रदर्शन कब तक करेंगे? देखिए हमारा जो सवाई माधोपुर भूपेश कगार पे है इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। दिल्ली सरकार का मुखिया है बीजेपी का, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को एक कर दूंगा, उनका फंड सेंट्रल लगा देंगे। उन्होंने भी किया, उधर मुख्यमंत्री पैसा नहीं दे रहा, मुख्यमंत्री के पास जाते कहते बीजेपी को पैसे नहीं दिया, बीजेपी के पास जाते कहते मैंने मुख्यमंत्री को पैसे नहीं दिया। ये दोनों ही चोर हैं, दोनों खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, दोनों को नहीं बख्शा जाएगा। आगे चलो इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे कि आपको भी ये बात बताए कि पिछले एक साल से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आपके जो तमाम मांगे हैं वो अब तक पूरी नहीं की गई। देखिए ये सफाई मजदूरों की बेमियादी हड़ताल है और जब तक ये सारी की सारी मांगे जिनमें प्रमुख रूप से 2017 हमारे लोगों को पक्का करना चाहिए, हमारा बकाया एरियर है, समय पर वेतन है, हमारे डीए हैं, हमारे रिटायरमेंट कमेटी का पैसा है, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी ये आंदोलन यथावत ऐसे ही जारी रहेगा। देखिए ऐसा है, जब से निगम का विभाजन हुआ है उसमें शर्त लिखी गई थी, नियम भी है कि अगर निगम घाटे में जाता है तो दिल्ली सरकार में चाहे कोई पार्टी हो उनको 10.5% के हिसाब से अपना फंड देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि दिल्ली सरकार ने फोर्थ फाइनेंस कमीशन जो अभी 2012 में ही लगना चाहिए था, अभी जो वो पैसा दे रहे हैं वो थर्ड पे कमीशन के हिसाब से दे रहे हैं, थर्ड पे कमीशन के हिसाब से दे रहे हैं। इसलिए अब कोर्ट ने फैसला किया है कि 1 नवंबर 2017 से दिल्ली सरकार को फोर्थ फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग पैसा देना चाहिए जो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपये होता है। जब तक पैसा नहीं मिलेगा ये परमानेंट सोल्यूशन होने वाला नहीं है। नगर निगम का कहना है कि अब तक दिल्ली सरकार से पैसे नहीं मिले, जबकि दिल्ली सरकार कहती है कि उन्होंने नगर निगम को पैसा दे दिया, ऐसे नहीं अवरुद्ध तौर पर। देखिए ये कागजों की सरकार है, ये झूठे कागज ले रहे थे जिनने पैसा दे दिया, अब देखिए बड़े बड़े हाई सबसे वो सरकार को चला रहे हैं, ये सारी सारी झूठी बातें हैं, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, अगर पैसा देते। और देखिए हाईकोर्ट ने भी तो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, दिल्ली सरकार को चाहिए उनका पैसा जल्द दे, अन्यथा और गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा।